व्हाट्सएप पे अगर आप कोई चैट डाउनलोड करते हैं, कोई मीडिया डाउनलोड करते हैं और आपको एरर देखने को मिलता है, डाउनलोड फेल्ड, फ्री अप स्टोरेज बाय डिलीटिंग आइटम्स दैट आर टेकिंग अप स्पेस एंड ट्राई अगेन, तो इस एरर को आने का आपके सामने क्या रीज़न हो सकता है और कैसे आप इस रीज़न को इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, काफ़ी नॉलेजबल वीडियो है। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप से बाहर निकलना है एंड यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्ले स्टोर ओपन करके आपको जो है एक बार तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, अगर आपकी व्हाट्सएप में अपडेट आ रखा है तो ठीक है। उसके बाद बाहर निकलना है। अब यहाँ पे आपको जैसे आपकी व्हाट्सएप अपडेट होगी वह आपको व्हाट्सएप ओपन करना है एंड थ्री डॉट दिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है और सेटिंग्स वाला आइकन इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज एंड डेटा, इस पर क्लिक करें। सबसे फर्स्ट में मैनेज स्टोरेज का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ पे आपके सारी चैट्स दिख जाएंगी जिन जिन के साथ आपने मीडिया को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, सेंड किया है या आपके पास किसी ने भेजा है। अब यहाँ पे आपको सिंपली पहले तो इस एरर का मतलब समझना है क्या है। देखिए, जो डिलीटिंग आइटम्स दैट आर टेकिंग अप स्पेस, इसका मतलब है कि व्हाट्सअप का जो स्पेस है वो फुल हो रखा है, आपको कुछ बेकार की चीज़ें यहाँ से डिलीट करनी है, तो आपको फाइल मैनेजर के अंदर से कुछ डिलीट नहीं करना, जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ वो करना है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चैट देख लेनी है जो आपके लिए मिसयूज हो, जिससे आपने चैट कर रखा हो पहले, ठीक है। यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं, एक साइड में साइज़ लिखा हुआ है, कितने कितने साइज़ की चैट है, मतलब इसमें फ़ोटो भी होंगे, मीडिया भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया तो इसके साथ मेरी जितनी भी चैट हुई हुई हैं सारी यहाँ पर आपको दिखेंगी, इसी तरीके से आपके फ़ोन में भी दिख जाएंगी। अब आपको सिंपली सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है जो बेकार के चैट सेक्शन है और उन्हें डिलीट कर देना है। उन्हें डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, एक काम और कर देना है, यहाँ पे आपके व्हाट्सअप को अब रन होने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और व्हाट्सअप पे एक सेकंड के लिए दबा के रखें, ऐप इन्फो पर क्लिक करें एंड यहाँ पर इसे फोर्स स्टॉप करें, स्टोरेज यूजेज पर आएँ, क्लियर कैच करें और एक बार अपना मोबाइल रिस्टार्ट करें तो जो आपकी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो जाएगी।